कांगड़ा में 22 सितंबर को भाजपा की युवा हुंकार रैली को सफल बनाने के लिए भाजपा कोई कसर नहीं छोड़ना चाहता है। रैली में बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह शिरकत करेंगे और इस मौके पर हिमाचल भाजपा भी शक्ति प्रदर्शन करने के लिए जुट गई है। इसी सिलसिले के चलते भाजपा के राष्ट्रीय सचिव एवं हिमाचल प्रभारी गौरव तिवारी ने हमीरपुर में शिरकत कर कार्यकर्ताओं को टिप्स दिए। इस अवसर पर प्रदेश भाजपा से प्रवक्ता नरेंद्र अत्री, जिला अध्यक्ष भाजपा अभिबीर लवली, मीडिया प्रभारी विकास शर्मा भी मौजूद थे। भाजपा के राष्ट्रीय सचिव एवं हिमाचल प्रभारी गौरव तिवारी ने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह कांगड़ा दौरे पर आएंगे, जिसके लिए रैली को सफल बनाने के लिए काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि रैली के माध्यम से युवाओं के हुंकार को दिखाने के प्रयास किया जा रहा है। 22 तारीख को माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी कांगड़ा में आ रहे हैं और वन बूथ 10 यूथ जो युवा मोर्चा का एक कार्यक्रम था और जो युवा मोर्चा ने लगभग 75,000 रजिस्टर्ड युवाओं को बनाया है, उनकी एक रैली हो रही है कांगड़ा में और ये एक वृहद रैली है। और इस रैली से ना कि केवल हिमाचल, पूरे देश में युवा मोर्चा का कार्यक्रम कैसा चल रहा है और युवा हुंकार जब भरता है तो जो देश विरोधी जनता के साथ दुर्व्यवहार करने वाले, उनके प्रति लापरवाह लोगों के का जिस तरह से युवाओं का आह्वान रहता है उस, और युवा मोर्चा ने जिस तरह से काम किया है, ये सब दिखाया जाएगा कि किस जिस तरह से युवा केंद्र की सरकार को उखाड़ फेंका, यूपीए की सरकार को उखाड़ फेंका था, उसी तरह हिमाचल की जनता और युवा एक साथ होकर इस बार कांग्रेस की सरकार को उखाड़ फेंके और वीरभद्र की जो 5 साल की कमियां रही हैं, जो 20 साल पीछे कर दिया हिमाचल को, उस पर एक हुंकार भरने जा रहा है और अमित शाह जी सभी युवाओं को अपना एक मार्गदर्शन प्रदान करेंगे। गौरतलब है कि कांगड़ा में होने वाली हुंकार रैली में 1 लाख से ज्यादा युवाओं ने भाग लेने का दावा भाजपा कर रही है। वहीं प्रदेश में देश भाजपा राष्ट्रीय अमित शाह की अंतिम अहम रैली मानी जा रही है।